थैंक यू एंड वेलकम, नमस्कार सभी को, इंडिया गुड इवनिंग। बहुत जोश में हो आप सब लोग, मुझे मालूम है क्यों हो। एंड थैंक यू सब लीडर्स का, जो जैसे ही मैंने ऑन किया तो पल्लवी बोल रहे थे, तो पल्लवी थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज एंड बहुत अच्छा आप करते हो एंड वी आर सो प्राउड कि आपको इतनी नॉलेज है। एंड वी ऑन पैसे भी सो प्राउड कि आप जैसे लीडर्स, आप जैसे फाउंडर्स ऑन पैसे में हैं, तो कीप इट अप। बहुत नॉलेज आप देते हो लोगों को एंड कंटिन्यू करिए ऐसे ही एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। एंड अगेन जितने भी लीडर्स हैं, यस हमारे ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी जो है, वो उन्होंने तो आपको मालूम है सारे इंडिया में भूचाल मचा रखा है और अभी जस्ट बिगनिंग है उनकी। अभी मैं कहता हूँ कि अभी जस्ट बिगनिंग है उनकी, भी आगे देखिए और इतना जोश है उनमें, इतना इतना लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं वो। और जितनी भी टीम है बाकी लीडर्स की, मांगेराम है, देवीलाल जी हैं एंड नाउ दिनेश कोटियन आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। इतनी पॉजिटिवनेस, इतना इतनी नॉलेज, मतलब कि सब लीडर्स में कौशिक हैं, इतनी पेन लेते हैं काम करने के लिए, आपको मालूम भी नहीं। आई थिंक इंडिया को, शायद आधे से ज्यादा इंडिया को मालूम नहीं होगा कि कौशिक कितना सीरियस है इस बिजनेस को लेके, कितना मेहनत करता है बैक एंड के ऊपर, पीछे रह के। एंड लुक एट नीरज, लुक एट और भी जितने भी लीडर्स हैं, मैं सबके नाम शायद ना ले पाऊं, बट हमें मालूम है कि अलग अलग टीम्स हैं यहाँ पे, वो जम्मू कश्मीर से लेके, अभी आपने देखा टीम रॉकिंग ने वहां पे सेमिनार किया था, यहाँ हैदराबाद में हो रहे हैं, कहीं कहीं सेमिनार्स हो रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलके, तो ये क्या है बेसिकली। ओके, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सबके सब नॉलेजेबल लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे सोचना चाहिए पहले कि इतने लोग, इतने सारे इकट्ठे होके लोग, जहाँ पे आज तक किसी को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, बट यहाँ क्यों आ रहे हैं? दैट मीन्स जो ये बिजनेस है, जो ये बिजनेस आइडिया है ऑन पैसिव, इसमें इतनी पावर है, इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ ये देने वाला है, इसकी जो वैल्यू होने वाली है, वो वैल्यू अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, ना कि पैसा भी अट्रैक्ट कर, क्योंकि पैसा किसी को नहीं आया, बट द अमाउंट ऑफ वैल्यू जो क्रिएट कर दी गई है आज की डेट में, पिछले तीन सवा तीन सालों से, साढ़े तीन सालों से, तो वो तीन सालों में ये सारा कुछ होना है, हो चुका है। और अभी जस्ट जब हम बात करता हूँ मैं बार बार, कि ये शुरुआत है अभी ऑन पैसिव की, तो अगर शुरुआत से पहले ये ऐसा कुछ है, तो शुरुआत के बाद क्या होने वाला है, इस यहाँ पे आप सोचा कीजिए। जैसे मैंने कल लीडरशिप काउंसिल में भी डाला था, देर आर टू बिजनेसेस, दो तरह के बिजनेस ही हैं इस दुनिया में अभी, एक है ऑन पैसिव, इसको चाहे नोट कर लो, एक ऑन पैसिव और दूसरे हैं बाकी सारे जितने भी हैं दुनिया के बिजनेस, जितने भी हैं, बड़ा छोटा जो भी है, वो एक तरफ है एंड एक तरफ ऑन पैसिव, दो तरह के बिजनेस हैं आज की डेट में अगर हम मानेंगे दुनिया में। पहले होते होंगे कि ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस, ये उसका दुकान है, ये उसका नो, ये टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है ऑन पैसिव ने, अभी आने वाले सालों में देखोगे तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में दो तरीके के बिजनेस है, एक है ऑन पैसिव एंड बाकी सारे के सारे जितने भी हैं, करोड़ों बिजनेस होंगे, अरबों होंगे, सारे के सारे। सो दिस इज द पावर ऑफ ऑन पैसिव, जो इसको समझ गया वो तर गया। ओके, वो जो डायलॉग है, ओके, कि इसको, इसमें जो आ गया, जो भी आ गया इसमें, वो कोई भी हो, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, कोई भी हो, जो भी इसमें आ गया, उसकी लाइफ फिक्स होने वाली है सदा के लिए। इसको इसको जांचो, इसको परखो, इसको जिसको अभी नहीं समझ आ रही ऑन पैसे, इसको स्टडी कीजिए। ओके, अभी जब मैं वेबिनार यहाँ पे आ रहा था, तो इसलिए मैं आया, मुझे एक फोन आया टोरंटो से, एंड वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको मालूम है इंटरनेट क्या है, एक एक चीज उनको मालूम है इंटरनेट की, हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो उन्होंने जस्ट मुझे एक सवाल किया कि व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन, ऐसे उन्होंने बोला इंग्लिश में, व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन, ये ऑन पैसे में इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन वन लॉग इन, और अभी जस्ट सिक्स सेवन प्रोडक्ट्स, ये ऑन पैसे क्या कर रही है? तो मैंने उनको ये बोला, यस, ये जो सेंटेंस है, ये आप
आज बोल रहे हो ये करोड़ों लोग दुनिया के बोलेंगे कि व्हाट द थिंग इज हैपनिंग, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट सारा इंटरनेट लाके एक खड़ा कर दिया। वो डेस्क जो टूल आज हमारे यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस हुआ है, आज लॉग इन होने शुरू, आपके शायद कल हो गए होंगे वहां पे, ओके। तो ये अगर एक एक टूल की अगर बात करूं मैं, जैसे अभी पल्लवी भी कर रहे थे, ओके, तो ये इंटरनेट लाके आपके दरवाजे पे परोस दिया है इसने, विद वन लॉग इन हजारों रुपए हजारों डॉलर लोग महीने के जो मार्केटिंग करते हैं, लोग जो इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा कुछ करते हैं, उनको हर एक महीने पैसे देने पड़ते हैं इन चीजों पे। अगर किसी को नहीं समझ आती तो गूगल कर दो, अगर वो हेटर्स हैं जो उनको नहीं समझ आती ऑन पैसे, अभी भी समझ जाओ, ओके, गूगल कर लो क्यों ऑन पैसे आ रही है, ओके। तो ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये कोई थर्ड ग्रेड वेबसाइट नहीं आ रही, ये कोई थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल आ रहा है, ये एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी आ रही है, एक सोल्यूशन दिया जा रहा है दुनिया के उस आखिरी लाइन के आखिरी जो बंदा है, जो आखिर में लाइन के खड़ा है, उसकी जेब में उसके डेस्कटॉप पे वहां पे एक सोल्यूशन दिया जा रहा है, ओके। तो वहां पे ऑन पैसिव ने वहां तक काम कर लिया है। अगर किसी को नहीं समझ आता वो दफा हो जाओ यहाँ से फिर, अगर किसी को नहीं समझ आती, मैं आज की डेट में बोल सकता हूँ इसको ऑन पैसिव नहीं समझ आती, वो यहाँ से हट जाओ, पीछे हट जाओ, अपना रास्ता नापो, और जिसको आती है उनको काम कर लेने दो, क्योंकि वो आने वाला उनकी लाइफ फिक्स होने वाली यहाँ पे विद ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, ये दिस इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अगर हम बात कर ले पिछले एक साल की बात कर ले, चलो पिछले साल इन दोनों में बात चल रही थी कि ऑन पैसिव लॉन्च होना लॉन्च होना लॉन्च होना, ओके, उसके बाद कुछ ऐसा बहुत सारी चीजें हुई और आपको सबको मालूम है, और आज एक साल बाद क्या हो गया, हमारे सामने प्रोडक्ट्स, हमारे सामने इंटरनेट खड़ा हुआ हमारे द्वार के ऊपर, ओके। अब एक साल और आगे चले जाओ, अगले साल इन दोनों में क्या होने वाला है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों की जेब में डालने जाने वाले, नोट कर लीजिए, ओके। ये एक प्रोसेस है। अगर मैं कहूँ तीन साल पहले, साढ़े तीन साल पहले जब मैं ज्वाइन हुआ था, वो लोग पहले दो चार पांच लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए थे पहली कॉल के ऊपर, आज उनको प्राउड फील हो रहा है, मुझे फोन करते हैं कि हमने आपकी बात सुनी। आज वो तीन साढ़े तीन साल के बाद जब वो कह रहे थे पता नहीं क्या है इसमें, ना तो वेबसाइट है ना कुछ नहीं है, बट जस्ट हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप अगर बोल रहे हो तो हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए, प्लीज आ जाइए। तो वो आ गए, आज वो खुश हैं। इसलिए आज मैं आपको सबको कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी बात लोग मेरी सुन रहे हैं, भरोसा कर लीजिए, अगले साल क्या होने वाला है, एक साल साल मैं साल साल की बात कर रहा हूँ, ओके। साल ऐसे निकल जाता है, चुटकियों में निकल जाता है, ये एक साल निकल गया ना चुटकियों में, ओके। तो अगले साल की मैं बात कर रहा हूँ कि दिसंबर 2022 में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अपने आपके जेबों में होंगे। अब आप सोचो ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके होंगे, आप कोई टेंशन नहीं होगी पैसे की, क्यों, क्योंकि एक सिस्टम ने वर्क करना है, ये चैरिटी नहीं करनी ऑन पैसिव ने, एक सिस्टम ने वर्क करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पैसा कैसे आएगा, पैसा ऐसे कैसे आ सकता है, तो मैं उनको जस्ट एक सिंपल सी उदाहरण देता हूं कि वो यूट्यूब में चले जाओ, आप घटिया सी वीडियो बनाते हुए, ओके, और वहां पे लाइक्स आते हैं, ये आते हैं, और उसके बाद जो सर्टन क्राइटेरिया, उसके बाद आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वो कहां से आ रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये इंटरनेट है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, इसको समझिए। फिर वो एक दिन मुझे बात है, वो तो एडवर्टाइजमेंट से आते हैं, तो मैं यहाँ चलो इतना पार्ट आपको समझ आया थोड़ा सा, ओके, कि एडवर्टाइजमेंट से आते हैं। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से बहुत कुछ बड़ा है ऑन पैसिव में, वो तो एक पार्ट है ऑन पैसिव का, मार्केटिंग एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग, वो एक पार्ट है, इससे भी और कुछ बड़ा है जहां से और रेवेन्यू जनरेट होना है। आपको मालूम नहीं है अभी भी 90% ऑन पैसिव वो समुद्र के नीचे आप देख नहीं पा रहे, जस्ट एक टिप, एक वो आइसबर्ग की होती है वो देख रहे हो आप, जस्ट एक छोटी सी एक 10% की विंडो है, ऊपर समुद्र के आपको बर्फ दिख रही है, जो ग्लेशियर होते हैं बहुत नीचे तक होते हैं, ओके। तो ये अब 90% ऑन पैसिव समुद्र के नीचे में नीचे है, जो कि दिख नहीं रही लोगों को, वो जिस दिन बाहर आ गई यहाँ भूचाल आने वाला है, इंटरनेट शेक करने वाला है, एक बिजनेस मॉडल चेंज होने वाले हैं, दुनिया की थिंकिंग चेंज होने वाली है। ये उस टाइप का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है मिस्टर ऐश का, जिसके कारण हम जैसे लोग 2018 में
यहाँ बहुत सारे अब लोग जो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो लोग समझ गए इन चीजों को, जसवंत जस्सी जैसे, मांगेराम जैसे, दिनेश कुटियन जैसे, नीरज जैसे, केडी शुक्ला, मुकुंद काबरा, आप जैसे, ये पल्लवी है, और कितने सारे लीडर्स हैं, एंड बहुत है एलसी मेंबर्स हैं हमारे इंडिया के, अगर हम इंडिया की बात ही कर ले, डॉक्टर मोदी भी वहां काम कर रहे हैं, ये जितने भी हैं, मतलब कि मैं किस किस के नाम लूं, मुझे नाम भी थोड़े कम पड़े आते हैं, याद भी नहीं आते। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने समझा है इसको, इन लोगों ने समझा और समझ के ये आगे लेके चल पड़े। जैसे हमने 2018 में समझ लिया, हमने हमने कुछ लोगों को बताया, फिर आते गए लोग, आते गए, जुड़ते गए, और अभी जस्ट शुरुआत है। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कुछ लोग शायद सोचते हैं, हाँ सर आप तो 2018 में आ गए, 19 में आ गए, अब देखो 2020 में ये लोग आए हैं, दिनेश एंड मांगेराम, और इन्होंने भी एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। 2019 में जसवंत जस्सी आए थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया, ठीक है ना। 2020 में ये लोग आए, 2021 में आप लोग आए, बहुत सारे लोग आए 2021 में, एक रेवोल्यूशन खड़ा हो गया, आप लोगों ने भी कर दिया। कितनी मीटिंग्स, अगर आप पिछले एक साल से लेके आज की डेट तक आप नोट कर लो, एक साल में इंडिया में कितना रेवोल्यूशन पैदा हो गया, एज ए टोटैलिटी हम देखते हैं जब, कितनी टीम्स, कितने वेबिनार्स, कितने अच्छे अच्छे लीडर्स उभर के आए हैं यहाँ पे। तो अगले एक साल में क्या होने वाला है, जब फाइनेंशियल फ्रीडम, जेबों में पैसे, मतलब कि जहाँ पे हमें सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से कमाना है, ओके, वो जब एक टेंशन खत्म हो जाएगी, तो देखो आप लोग कितना कितना पॉजिटिव वे से और काम करने लग जाओगे। सो करोड़ों लोग, मुझे मालूम है इंडिया में से पिछले एक, जो अगला आने वाला एक साल है, ओके, इसमें हम करोड़ों लोगों को ज्वाइन कराने वाले, करोड़ों करोड़ों को। अगर आज ऑन पैसिव की हम बात कर रहे हैं, हम 6-5.5 लाख हैं इंडिया में, 5 के करीब 5.5 के करीब, तो अगले साल इन दिनों में नोट कर लेना कितने करोड़ हो जाएंगे। मल्टीपल रिपल इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इंडिया को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो टूट चुका है। तो उस टूटे हुए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्योंकि गरीब गरीब होता जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ओके, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वो लाइन में सबसे आखिर में जो खड़ा हुआ शख्स है, उसको ऑन पैसिव की जरूरत है, तो वो अपने आप आएगा यहाँ पे। आप अगर अपने अपने शहर में, गली में, मोहल्ले में कोई ऐसे लोगों को बताओ, उनको जाके कि ऐसा कुछ है, आप घबराओ मत, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा यहाँ पे। किसी के पास अगर $250 नहीं है, डोंट वरी, उसको भी साथ में लेके चला जाएगा, आप देखते रहना, ओके, कि ये मत सोचना कि मैं तो शायद कर नहीं पाऊंगा, नो, आप कर पाओगे और हम आपको साथ में लेके चलेंगे सबको, ओके। तो ये ऐसा एक जज्बा होने वाला है, हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे, हमारी एलसी टीम्स हैं, हमारे और बहुत सारे मोटिवेटेड लीडर्स हैं, जो कि उस लाइन में खड़े हुए आखिरी इंसान को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, और ये हमारी कमिटमेंट है आप सब इंडिया वालों से, ओके। किसी के साथ एक पैसे का धोखा भी नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम आपको भी उस एथिकल वे से काम करना है इंडिया में, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ, किसी की अगर आईडी है उसकी आईडी उसको दे दो, उसके अगर आपने पैसे कहीं यूज कर लिए हैं, उसकी आईडी नहीं लगाई, प्लीज उसको दे दीजिए, आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, ओके। मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए थे कि उसने मेरी आईडी के पैसे ले लिए, मुझे आज तक नहीं, आप ऑन पैसे लॉन्च, मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ओके। तो ये वो छोटी बात को छोड़िए, सी द बिगर पिक्चर यहाँ पे बहुत बड़ी होने वाली है, तो उसको देखिए, डिस्प्यूट खत्म करिए अपना, हरेक आदमी का, हरेक टीम अपना स्पॉन्सर देखे कि उसके डाउन में जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट आज की डेट में भी नहीं है, उनको रेडी कर लीजिए, ओके। जब हम कुछ पढ़ा करते हैं, आपको मालूम कोई शादी करनी होती है घर में या कोई फंक्शन, हम तैयारी करते हैं, तो प्लीज तैयारी कर लीजिए। वो बैंक अकाउंट्स, सबसे बड़ी तैयारी आपके अपने बैंक अकाउंट्स की है, अगर नहीं है तो वहां पे हरेक जितने भी फाउंडर्स हैं आपकी टीम में देख लीजिए, ओके, तो उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी पैसे आते हैं वहां पे, वो सीधा उनके बैंक में जाए, हमें किसी का 1-5 पैसा भी नहीं चाहिए। इस बात को थोड़ा ध्यान से चलना, हम लोग एक नया इंडिया बनाने जा रहे हैं, ऑन पैसे के जरिए एक नया इंडिया खड़ा होने वाला है, ये मेरी बात को नोट कर लेना, ओके, एक नया इंडिया खड़ा होने वाला है ऑन पैसे के लिए, वो इंडिया जो एथिकल होगा, वो इंडिया जो सच्चा होगा, वो इंडिया जो यहाँ पे हर एक आदमी एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा होगा, ओके, हम ऐसा एक इंडिया बनाने जा रहे हैं, ओके, और ये बिल्कुल आपको मैं 100% बोलता है। देखो ऐश कल वहां पे मिशिगन में थे, मिशिगन में कुछ होमलेसनेस लोग है, देखो वो वहां पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, देखो ये कितनी कितनी बड़ी बातें ऐसी हो रही है, कहां ऐसी बातें होती थी पहले, कोई नहीं करता, तो कौन करेगा,
जिनके पास विजन है। तो हम लोग विजनरीज हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं हम लोग विजनरीज हैं, और हम वो करके दिखाएंगे, हमने किया हुआ है। ओके, हमारे पास ब्रेन है, हम सोच सकते हैं सबके सब लोग, हम एक एक दूसरे के हाथ पकड़ के, सिर से सिर जोड़ के हम लोग उन चीजों को सोचेंगे, कैसे एक इंडिया को हम उस लेवल पे लेके जाएंगे, तो जहां पे लाखों लोग एक जगह पे चल लेंगे तो स्काई इज द लिमिट। ओके, तो तैयार रहिए, इंटरनेट आपके द्वार पे खड़ा हुआ है, इसको रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, किसी की बहकावे में बातों में मत आया करो, क्योंकि ये जो मैंने पहले हर एक वेबिनार में कहता हूँ, ये जो गुरुज हैं अपने आप को सोचते हैं इंटरनेट के, इनको दफा कर दीजिए, इनको ABC भी नहीं मालूम ऑन पैसिव की। ओके, ABC होती है ना जो, वो भी नहीं मालूम इनको। ओके, तो इनके पीछे क्या जाने जिसको ABC भी नहीं आती। ओके, तो जिनको ABC आती है ट्राई टू फॉलो दैम, किसको आती है, ऐश को आती है। ओके, वहां पे देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं वेबिनार में, उनकी बातें सुनिए, सीखने को मिलता है हमें बहुत कुछ, हमारे लीडर्स से सीखने को मिलता है, अच्छे अच्छे इंस्पिरेशन देते हैं हमारे लीडर्स। ओके, तो वो ऐसे ही नहीं देते, वो बेवकूफ नहीं है, उनके दिमाग हैं, वो बोल सकते हैं, उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो ये नहीं कि ऐसे उड़ के, पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गए और ऐसे बोलते हैं, नो, दे हैव देयर ब्रेन्स, उनको एक्सपीरियंस है, हैदराबाद का ऑफिस है, वहां पे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, तो ये हेटर्स आगे ऐसा, उनको मालूम भी नहीं है कि तुम तो कभी उस कॉलेज में भी नहीं गए जहां से वो डिग्रीज करके आए हैं, जहां से वो मास्टर्स डिग्रीज करके आए हैं, जहां पे उन्होंने दिमाग लड़ाए हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोफेसर से पढ़े हुए हैं, तो यू आर नॉट, तुम उनके पैरों के बराबर भी नहीं हो, जो ये हेटर्स हैं अपने आके वहां बैठ के गुरुज लग जाते हैं। तो प्लीज उनकी सारा इंडिया, प्लीज इन हेटर्स की बंद कर दो ये देखने के लिए, क्योंकि इनको नहीं मालूम। तो आपको क्या करना है, आप सीखिए, इंटरनेट को सीखिए, ये टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में जिसकी समझ में टेक्नोलॉजी आएगी वो बहुत बहुत कुछ समझ आएगा इस दुनिया का। ओके, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेट किया कीजिए, ये यूट्यूब, दिस इज ए करप्टेड इंटरनेट, इसको छोड़ दीजिए, करप्टेड इंटरनेट के दिन चले जाने वाले हैं, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं इनके। ओके, ये करप्टेड जो इंटरनेट है, यहाँ पे एक बहुत सही कुछ रेवोल्यूशन पेश होने जा रही है, ये जस्ट उसके ग्लिम्सिस है, जस्ट एक शुरुआत है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो रेवोल्यूशनरी होने वाले हैं, अभी जस्ट शुरुआत, उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है, चीजों को हो रहा है, किसी को दिक्कत आएगी, नो डाउट वो आएगी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, मेरा हो जाएगा, वो घबराओ मत, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, वो ऐसा 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 है, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजीज टेस्ट होती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनती हैं, इसको हम बार बार आपको इसीलिए हमेशा समझाते हैं, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पीछे नहीं छूटेगा, जिस एक एक आदमी का लॉगिन होगा, एक एक आदमी का वहां वो अपना सब कुछ देख पाएगा। ओके, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, इसको इस बात की गारंटी मान लेना, आज नहीं लॉगिन होगा कोई बात नहीं, कल को हो जाए, कल नहीं हो रहा परसों हो जाएगा, बट उसका होगा। ओके, कल भी ऐश ने बताया कि ओनली ओ फाउंडर के ऊपर 80 लोगों की एक टीम हैदराबाद में बैठी है, जो कि 24 घंटे निगरानी लगा के वहां बैठी हुई है, ओ फाउंडर्स के ऊपर क्या हो रहा है, कहां किसी को दिक्कत आ रही है, उसको नोट किया जाता है, उसको रेक्टिफाई किया, उसको क्लियर किया जाता है। ओके, सो बहुत सारी चीजें, सो ये मत समझा करो कि ये कुछ नहीं हुआ, ये समझा करो कि पीछे वो दिमाग बैठे हुए हैं, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं हमारे बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं, हम तो आराम से सो रहे हैं ना, वो दिन रात जाग रहे हैं वहां पे, वो किसके लिए, हमारे लिए, कि हमें एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जो कि फ्लॉलेस चले, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से चले। तो इतने सारे डेटा सेंटर्स हैं, इतने सारे सर्वर्स हैं, ये बहुत बड़ा है। ओके, तो इनको मालूम ही नहीं है, बहुत सारे लोग आपको शायद कुछ फाउंडर्स को भरमाने की कोशिश है, कुछ नहीं है, इनको मालूम नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च हो चुके हैं। ओके, इनको बोलो एक डेटा सेंटर बना के दिखा दें, ये जो जितने ये यूट्यूब पे आके बैठ जाते हैं। ओके, तो एनीवेज हम उनकी बात नहीं करेंगे, नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, उनको रहने दो, हट जाओ यार उनसे, हमारे यहाँ से, हमें तो तुम लोगों को देखना भी नहीं है, ऑन पैसे वैसे ऐसे ही चलेगी और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सेमिनार्स हो रहे हैं वहाँ पे आप जा रहे हो, जस्सी भाई का मैंने देखा, जीवी राव ने सेमिनार किया था, दैट वाज सो फैबुलस, टीम रॉकिंग ने किया वहाँ पे जम्मू में, वहाँ पे गए थे सब लीडर्स को मैंने देखा, बहुत अच्छा कर रहे हो, नथिंग टू वरी, यहाँ पे बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत बहुत बड़ा होने वाला, तो ये लीडर्स समझ चुके हैं, टीम समझ चुकी हैं,
फाउंडर समझ चुके हैं, सारी दुनिया समझ चुकी है। तो आइए, स्वागत है जिन लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, सब आ जाओ यहाँ पे। ये कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं फाउंडरशिप के, ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। ओके, आपकी लाइफ फिक्स होने वाली है। एंड रिमेम्बर, दो तरह के बिजनेस हैं इस दुनिया में, वन इज ऑन पैसे और बाकी सारे के सारे बिजनेस जितने भी इस दुनिया के। तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए इतनी देर, एंड लव यू ऑल।